हेलो गेमर्स, आलतू फालतू की बात नहीं करते हैं। अगर आपको भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ये ऊपर से चीज़ लिखा आ रहा है और आपको इसको रिमूव कराना है और आपको नहीं पता कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक्चुअली एक नहीं तीन ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इस चीज़ को रिमूव कर सकते हो और जो माइनक्राफ्ट के नीचे बीटा लिखा के आ रहा है वो भी आप रिमूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मुझे पता है आप लोग कितने ज़्यादा नॉटी हो, आप लोग वीडियो पे आते हो, डिस्क्रिप्शन में जो भी डाउनलोड लिंक रहता है उसे डाउनलोड कर लेते हो और खुद से कर लेते हो सारा प्रोसेस। अरे यार, मेरी वीडियो पे देख लो, मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो तीनों की अच्छाई और बुराई क्या है, तो आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा वाला फाइल डाउनलोड करना है। तो यार मैं आपको बताता हूँ आपको इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में नहीं है, मैं आपको बता दूंगा एंड में कि आपको वो लिंक कैसे मिलेगी। टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको बस बता दूंगा मैं एंड में कि आपको लिंक कैसे मिलेगी। आपको जब वो लिंक मिल जाएगी तो आप बस उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे जिस पर अभी मैं हूँ, बीटा हाइडर रिसोर्स पैक करके है। आपको देख लीजिए, यहाँ पे खुद इन्होंने क्लेम किया है कि ये सारा चीज़ ऊपर वाला जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी ये जो रिप्लेस हो जाएगा पैनोरामा वो नेदर टाइप में हो जाएगा। तो आपको इतना सब पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वरना मैं तो सीधे नीचे चला जाता हूँ डाउनलोड करने। यहाँ पे आपको डाउनलोड बीटा हाइडर पर क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आप डाउनलोड बीटा हाइडर पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट 5 MB का है, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एंड में बताऊंगा और दो और क्या चीज़ है। तो जैसे आपको ये डाउनलोड हो रहा है, आपको बस डाउनलोड के अंदर चले जाना है, वो जो डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन आता है और उस पर क्लिक करके आपको माइनक्राफ्ट खोल लेना है। जैसे ही आप माइनक्राफ्ट को खोलो, ये थोड़ा सा समय लेगा लोड होने में, तो इसको लोड होने देते हैं। यार मेरा तो बहुत समय लगता है, आपको कितना समय लगता है माइनक्राफ्ट को लोड करने में आप बताइएगा। आप देख सकते हैं इम्पोर्ट स्टार्टेड ऑप्शन आ गया है और जल्द ही इम्पोर्ट कम्प्लीट हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली इम्पोर्ट नहीं हो रहा है तो वापस से वही डाउनलोडेड फाइल पर जाके क्लिक कीजिएगा, आपका 1 से 2 बार में हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे ग्लोबल रिसोर्स पे आ जाना है और यहाँ पे माई पैक्स में देख लीजिएगा, ये जो बीटा हाइडर सबसे ऊपर आ गया। वैसे आप देख सकते हैं नीचे एक बीटा बीगन भी है और एक और बीटा हाइडर का वर्जन है मेरे पास, उसी तीन के अंदर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो बस आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है और आप कुछ चीज़ मॉड एक्टिवेट कर सकते हैं इसके साथ। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये एक्टिवेट करने के बाद कोई और मॉड चलेगा कि नहीं, सब चलेगा। अब देख सकते हैं ये रिसोर्स पैक लोड हो रहा है, बस कुछ 5 से 10 सेकंड लेगा और अगर आपका डिवाइस स्लो है तो थोड़ा 1 मिनट के अंदर ये पूरा रिसोर्स पैक लोड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ऊपर ये लोड हो रहा है, अब देख सकते हैं ऊपर ये चीज़ गायब हो गई है जो हम लोग की थी, कुछ अजीब सा लिखा हुआ आ रहा था वो डिवाइस का आपका इन्फॉर्मेशन, ये गायब हो चुका है और आपका सक्सेसफुली वर्क हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ वो तीन चीज़ में डिफरेंस क्या है। पहला तो ये बीटा हाइडर जो लेटेस्ट वर्जन का है, एक बीटा हाइडर है जो पुराना वर्जन का है और एक बीटा बीगन है। तो मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ झटपट से। बीटा हाइडर जो लेटेस्ट वर्जन है बीटा हाइडर का, उससे आपको पूरा जो है व्यू नेदर का आएगा और ऊपर का जितना भी चीज़ है वो गायब हो जाएगा, लेकिन माइनक्राफ्ट के नीचे जो ये बीटा लिखा रहता है वो लिखा ही रहेगा, तो वो आप नहीं हटा सकते हैं। इसका बुराई बस ये हुआ कि ये पूरा नेदर, अगर आपको नेदर का व्यू पसंद नहीं है तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड मैं बताता हूँ, जो पुराना बीटा हाइडर का वर्जन है उस समय ऐसा कोई नेदर अपडेट नहीं आया तो ये पूरा ओवरवर्ल्ड का आपको व्यू दिखाएगा जो आपको कुछ देर में दिख जाएगा। और हाँ, ये वाले बीटा हाइडर के वर्जन में माइनक्राफ्ट के नीचे बीटा लिखा के नहीं आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप तीनों खुद से टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये वाला जो बीटा हाइडर का वर्जन है उसमें सारा चीज़ ओवरवर्ल्ड में चेंज हो गया और नीचे फाइनली कंप्लीट करके लिख के आ गया है। और थर्ड वाला जो है बीटा बिगन, उसमें ऐसा एक्चुअली होता है कि वो आपका नेदर अपडेट रहेगा, वो रहेगा नेदर अपडेट, लेकिन जैसे ही आपका वर्जन और नया, जैसे माइनक्राफ्ट और न्यू वर्जन रिलीज करेगा और न्यू वर्जन आप इंस्टॉल करोगे तो वो चेंज होते रहेगा। जैसे कि आपको सेम चीज़ नहीं रहेगा, वैसे नेदर वाला चीज़ नहीं रहेगा, जैसे जैसे वर्जन अपडेट होगा वैसे वैसे आपका पैनोरामा व्यू चेंज होते रहेगा। लेकिन हाँ, उसके अंदर भी माइनक्राफ्ट के नीचे बीटा लिखा रहेगा और हाँ, वो बहुत कम साइज़ का, अराउंड 200 KB का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नेदर थीम पसंद है तो आप बीटा बिगन इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको नेदर थीम पसंद है लेकिन आपको कोई फाइल वाइल का टेंशन नहीं है कि 5 MB होगा तब भी चलेगा, तो आप बीटा हाइडर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नेदर थीम पसंद नहीं है मेरी तरह, तो आप बीटा बिगन का पुराना वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि लिंक कहाँ है इन तीनों का, मैंने बता तो दिया। तो देखिए, नीचे आपको एक कम्युनिटी टैब का, मतलब मेरे एक कम्युनिटी पोस्ट का लिंक मिलेगा, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको जैसे ही वो कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाओगे, आपको तीनों लिंक वहीं मिल जाएंगे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो पे आते थे, लिंक पे क्लिक करते थे और सारा डाउनलोड करके चले जाते थे और मेरा पूरा वीडियो का रिटेंशन डाउन हो जाता था। लेकिन जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन यार मेरी वीडियो को भी पूरे एंड तक देख लीजिए, चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। अभी हमने रिसेंटली 2000 सब्सक्राइबर हिट कर लिए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।